नाजरीन, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब भी फलस्तीन के साथ खड़ा हो चुका है और अपने सारे रिश्ते इसराइल के साथ खत्म कर चुका है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क यानी रसिया भी फलस्तीन के साथ जल्द ही जुड़ने वाला है। और रसिया ने कहा है सारी गलती अमेरिका की है। और रसिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी के हुक्मरानों से बात की है। और जॉर्डन के कई सारे मुसलमान जवान फिलिस्तीन रवाना हो चुके हैं इसराइल से जंग करने के लिए। लेबनान भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो चुका है और सीरिया भी इसमें शामिल है। और अफगानिस्तान ने पहले से कह रखा है कि हमें बस फिलिस्तीन तक जाने का रास्ता दिया जाए, बाकी हम देख लेंगे। और ईरान हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और हिज़्बुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन अपने 5,000 रॉकेट तैयार कर चुका है इसराइल पर हमला करने के लिए। और इस जंग में मिस्र भी शामिल होने वाला है। और नॉर्थ कोरिया ने पहली बार कहा है कि सारी गलती इसराइल की है। और टर्की के हुक्मरान अर्दोगान ने कहा है कि हम जंग रोक देंगे लेकिन इसके बदले में इसराइल को जेरूसलम छोड़ना पड़ेगा। और नाजरीन, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।